फिर से वहां पर देखना है उसी दिशा में इस गेंद को खेल दिया है, एक रन पूरा किया, फिर से क्या दूसरा रन, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल रन। बाबू नाचन और भावेश वारे ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अच्छी कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को शुरुआत दिलाने की और कामयाबी भी अब तक मिली है। जिस तरह से पहले ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर अब तक बन चुका है 12। आज सुबह के पहले मैच में अंजुमन की जो गेंदबाजी रही थी वो बहुत ही कमाल की रही थी, चारों ही गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। इस बार शॉर्ट अंपुल लगाने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज बाबू नाचन ने, तो ओवर की समाप्ति होती हुई डॉट ओवर डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति और स्कोर 12 रन। सेमीफाइनल का ये मैच इस वक्त चलता हुआ, सिटी इमर्जिंग का ये मैच अंजुमन स्पोर्ट्स और दो दो हाथ लेती हुई इस वक्त अद्वित 11। दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है पूरे टूर्नामेंट में, अंजुमन और अद्वित 11, जबकि फाइनल में पहुंच चुकी है संयुक्त स्पोर्ट्स सिटी इमर्जिंग से। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा BC4 फॉर्मेट का पहला सेमीफाइनल हम देखेंगे धनेश 11 कुक्से और रिद्धि सिद्धि कालेर के बीच में। धनेश 11 कुक्से, पांडुरंग धर्मा पाटिल, विश्वास पाटिल फैम टीम, तो दूसरी तरफ डॉक्टर श्रीधर पाटिल फैम टीम, रिद्धि सिद्धि कालेर के बीच में पहला सेमीफाइनल जय बजरंग चषक 2023। और ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला सिटी इमर्जिंग से ये खेला जा रहा है। पहले ओवर में अमोल के रन बने हैं 12। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज रोहित। पहली गेंद वहां पर रोहित की देखना है, बहुत बेहतरीन गेंद, शॉर्ट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां गेंदबाज रोहित ने। हाफ ट्रैकर ये गेंद थी और एक एंगल सा बना था, बाहर की तरफ गेंद को निकाला था वहां गेंदबाज ने। अच्छी गेंद, इसको रुका हुआ है अभी भी 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अंजुमन स्पोर्ट्स। इस बार देखना, हुक कर दिया इस गेंद को, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से बहुत ही शानदार स्ट्रोक आता हुआ भावेश वारे के बल्ले से अपनी इनिंग का तीसरी बाउंड्री लगाते हुए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज शेख, निहाल शेख फैम टीम अंजुमन स्पोर्ट्स, तो दूसरी तरफ शंकर जुकर फैम टीम अद्वैत 11। दूसरा सेमीफाइनल का ये मैच इस वक्त चलता हुआ फिर से इस बार देखना, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया एफर्ट्स देखने को मिला इस बार, लेकिन 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, टाइमिंग तो बहुत बेहतर रही थी लेकिन उतनी ज्यादा दूरी नहीं दे पाए थे। लगान के खिलाड़ी की तारीफ करना होगी, अच्छी कोशिश देखने को मिली है, 2 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर। इन 2 रनों की मदद से अब दूसरे ओवर में जा पहुंचा है 18 पर। भावेश वारे और बाबू नाचन एक अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को। फिर से वहां पर देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है लेकिन इस बार सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। दोस्तों इसी ग्राउंड पर एक और सिटी इमर्जिंग का टूर्नामेंट होने जा रहा है, किंग भादोलकर ट्रॉफी 13, 14, 15 जनवरी इसी ग्राउंड पर शुरू होने जा रहा है। किंग भादोलकर ट्रॉफी 13, 14 जनवरी एक और शानदार टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर, लेकिन ये टूर्नामेंट जय बजरंग चषक 2023। और इसी बीच विकेट गिरा है और बाबू नाचन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। तो पहला ब्रेक थ्रो दिलाया है वहां पर अपनी टीम को गेंदबाज रोहित ने। बाबू नाचन ने आउट होने से पहले सिर्फ 1 रन बनाए, हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है,
पिछले सीजन अंजुमन ट्रॉफी में एक अर्धशतक लगाया था उन्होंने। नए बल्लेबाज अब अशोक वर्मा। उन्नीस रन एक विकेट गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स, अशोक वर्मा नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जबकि आउट होकर वापस गए बाबू नाचन, लेकिन अभी भी वहां पर भावेश वारे मौजूद है जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर अपनी इनिंग में 3 बाउंड्री लगाई है उन्होंने। सामना करते हुए इस वक्त रोहित, अच्छी गेंद वहां पर रोहित की, अंदर की तरफ ये गेंद को काटा था और हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी वहां पर अशोक ने इस गेंद को। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 20 एक विकेट गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स, अपना स्वागत आणि सन्मान करूया। जय बजरंग मित्र मंडळाचे लाडके अध्यक्ष अभिमन्यू तरी यांना मी विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभास्ते पुढील स्वागत आणि सन्मान आपण करायचे। ऍडव्होकेट करण भुईर उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान आपण या मुख्य व्यासपीठावर करूया। मी विनंती करतोय अभिमन्यू तरी यांना की आपण आपल्या शुभास्ते स्वागत आणि सन्मान करायचे। करण भुईर उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान। जय बजरंग चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये भाविक मंडप डेकोरेटर प्रोप्रायटर आणि जय बजरंग मित्र मंडळाचे विद्यमान लाडके अध्यक्ष अभिमन्यू तरे यांच्या शुभास्ते हा स्वागत आणि सन्मान। महाराष्ट्राची परंपरा, हिंदू संस्कृती जपताना माहेची शाल सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना आपण सन्मानित करत आहोत। त्यानंतर हिमांशु भुईर उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करूया। मी विनंती करतोय अभिमन्यू तरे यांना की आपण आपल्या शुभास्ते हिमांशु भुईर यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करायचे। जय बजरंग चषक 2023 या स्पर्धेचा आज सुपर संडे मेगा फायनल डे आणि फायनलच्या दिवशी नक्कीच करण भुईर आणि हिमांशु भुईर उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करत आहोत। स्वागत आणि सन्मान करताना आपण पाहतोय या स्पर्धेचे आयोजक अभिमन्यू तरे यांच्या शुभास्ते हा स्वागत आणि सन्मान होता आहे। त्यानंतर बिपिन पाटील उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील आपण स्वागत आणि सन्मान करूया। मी विनंती करतोय या स्पर्धेचे अध्यक्ष अभिमन्यू तरे यांना की आपण आपल्या शुभास्ते बिपिन पाटील। मित्रांनो, बिपिन पाटील आरके ट्रॉफी जेव्हा नक्कीच या मैदानावर खेळली जात होती तेव्हा बिपिन पाटील एक उत्कृष्ट स्कोरर म्हणून नक्कीच चांगलं काम करत होते आणि नक्कीच आज या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय। बिपिन पाटील यांचा स्वागत आणि सन्मान अभिमन्यू तरे यांच्या शुभास्ते होत आहे। धन्यवाद, बॅक टू नाव क्रिकेट। तो यहां पर कॅच ड्रॉप हुआ है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे उस गेंद को वहां पर बल्लेबाज अशोक वर्मा। गेंदबाजी में तीसरा ओवर लेकर आए हैं आकाश। स्कोर तीसरे ओवर में एक विकेट गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स ने रन अब तक बनाए हैं 22। आकाश एक बार फिर से सामना करते हुए अशोक, इस बार वहां पर देखना है खींच के मारने की कोशिश की, लेकिन शॉट सिलेक्शन जो था वो उतना बेहतर नहीं था क्योंकि ऑफ स्टंप की गेंद को वहां पर ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज। डॉट गेंद, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है आकाश द्वारा, अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए। इसको रुका हुआ है अभी भी अंजुमन स्पोर्ट्स का 22 पर। इस बार फिर से देखना है गेंद हवा में है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और इस बार नहीं बच पाएंगे अशोक वर्मा। विकेट गिरता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स का 2। अपन पाहतो या मुख्य व्यासपीठावर सावंदे गावावरून नक्कीच मॅचचा आनंद घेण्याकरिता राज पाटील हे देखील उपस्थित झालेले आहेत, डी जे दीपेश यांचे मेहोणे आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तो दूसरा विकेट गिरा है अभी अभी और बल्लेबाज अशोक वर्मा आउट होकर वापस गए, आउट होने से पहले सिर्फ 3 रन बनाए उन्होंने।
देखिए तुरंत ही अगला बैट्समैन भेजना है अंजुमन स्पोर्ट्स, थोड़ा समय में सहयोग करना है। नए बल्लेबाज अब अमजद शेख। इस ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक की है आकाश ने, एक विकेट भी हासिल किया और रन भी बहुत ही कम खर्च किए, सिर्फ दो। नए बल्लेबाज अमजद आते हुए, लेकिन अभी भी वहां पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए है भावेश वारे। देखिए थोड़ा फास्ट खेलना है क्योंकि आज के दिन जो मैचेस है, काफ़ी मैचेस खिलाए जाने बाकी है। ये सिटी इमर्जिंग का ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं, सिटी इमर्जिंग का एक फाइनल का मैच रहेगा, उसके बाद दो BC4 फॉर्मेट के सेमीफाइनल रहेंगे, फिर उनका भी फाइनल रहेगा। तो सभी जो मैचेस है सभी बड़े मैचेस है, तो प्लीज़ समय के मामले में आपको सहयोग करना है। आते ही सातवां पर ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है और ये गेंद जाएंगी डीप 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 मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अपने ही अंदाज में क्या कमाल का स्ट्रोक खेला वहां पर अमजद शेख ने, 6 रन। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त अमजद के बल्ले से, फिर से वहां पर देखना ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी, घूमकर मारना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज अमजद शेख। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 28 रन 2 विकेट गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, पहला सेमीफाइनल मैच रहेगा धनेश 11 कुक से और रिद्धि सिद्धि कालेर के बीच में रहेगा। BC4 फॉर्मेट का ये पहला सेमीफाइनल मैच, दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है, धनेश 11 के कैप्टन और रिद्धि सिद्धि कालेर के कैप्टन। उसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल रहेगा वो चैलेंज स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। तो 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है 28 रन 28 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। देखिए समय में सहयोग करना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। आइए अब बचे हुए 2 ओवर में किस तरह से खेल रहेगा, किस तरह से बल्लेबाजी रहेगी, किस तरह से गेंदबाजी रहेगी, ये सब कुछ बताएंगे भेवंडीकर संदेश पाटिल। क्या बात है, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जसं माझं उल्लेख केलं मजर खान यांनी आणि भावेश याच्या बॅटमधून हा षटकार पाहायला मिळत आहे, भावेश वारे याचं वार पाहायला मिळत आहे, जबरदस्त धावा धाव बलकावर लागल्या जात आहेत। त्यांना धाव संख्या 34 धावा 34, चौथ्या षटकाला सुरुवात झाली आहे। गोलंदाज अमोल भुईर गोलंदाजी करत आहे, रोहित आहे गोलंदाज, अमोल यांनी पहिला षटक टाकला होता। सामने गैलरी इंकडून पुढील चेंडू, अजून एक आउट साइडला, हा तर भरपूर दूर कुठेतरी निघून गेलाय, सीमापार षटकार। काय बात आहे, जबरदस्त कामगिरी, भावेश वारे ऑन फायर, सलामीला आलेला हा फलंदाज आपण पाहतोय खेळपट्टीवर, 3 चौकार आणि 2 षटकाराच्या मदतीवर खेळत आहे खेळपट्टीवर, 40 धावा धावबलकावर लागलेले आहेत। दुसरा सेमीफायनलचा हा मॅच आपण पाहतोय, याच्या अगोदर संयुक्त स्फोट या संघाने फायनलमध्ये क्वालिफाय केलं सिटी इमर्जिंगच्या माध्यमातून। अंजुमन स्पोर्ट आपण पाहतोय या फलंदाजी करताना, गोलंदाज सज्ज होत आहे, सामने गॅलरी इन कडून हॅट्रिक वर आहे फलंदाज भावेश वारे, जर्सी क्रमांक नक्कीच 21 आणि जबरदस्त काम
करताना आपण पाहतोय खेळपट्टीवर पुन्हा एकदा मिस टाइम झाला विकेटकीपरचा प्रयत्न पाहायला मिळतं. सुवास होते तिथे कॅप्टन टीम जे चेंडूपर्यंत पोहोचले नाहीये. एक सिंगल धाव कंप्लीट. सिंगलच्या मदतीने धावा झालेल्या आहेत धावफलकावर 41. आतापर्यंत 3 चेंडू झालेले आहेत. आज मित्रांनो स्पर्धेचा सुपर्ब संडे रविवारचा दिवस आहे आणि नक्कीच खूप चांगले सामने तुम्हाला पाहायला मिळतात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. ऑन साईडला अमजद शेकेच्या बॅटमधून फसला गेलाय आणि अमजद शेकेचा विकेट प्राप्त करताना गोलंदाज रोहित विकेट मिळाला. इथे आमचा शेक आउट झाल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय नवीन खेळाडू येत आहे. रफी घेत आहे. सकाळी खूप चांगला क्रिकेट त्याचं पाहायला मिळालं. मॅन ऑफ द मॅच देखील ठरला होता आणि आता सध्या टीम एक चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. मात्र इथून कुठेतरी 60+ धावा लावण्याचा प्रयत्न नक्कीच भावेश वारियाचं देखील पाहायला मिळत आहे. रफीकला देखील चांगला साथ द्यावा लागेल. गोलंदाज रोहित याचा कमबॅक होते आपल्या गोलंदाजीमध्ये. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळलाय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये शतरक्षक आहे. स्क्वेअर लेगचा शतरक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचलाय. एक सिंगल धाव कंप्लीट. सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या धावपलकावर लागली आहे. ती म्हणजेच 42 धावा 42 रन. स्ट्राईक ऑन पिंच हिटिंग करण्याकरिता मैदानाच्या आतमध्ये भावेश सज्ज झालाय. पुन्हा एकदा आपण पाहतो या स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळून काढलाय. एक सिंगल धाव षटक कंप्लीट. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 43 धावा. शेवटचा स्लॉगरचा षटक आहे. इथून जास्त नाहीये 10 ते 15 धावा जरी आल्या तरी एक चांगला टार्गेट सेट होऊ शकतो. उपस्थित या मुख्य व्यासपीठावर आमचे मित्र कल्पेश गुलवी देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला टॉस बॉक्स स्पॉन्सर करण्यात आलेला आहे. धनेश इलेवन कुक्स टीमचे कॅप्टन आदित्य भुईर देखील आता उपस्थित झालेले आहेत. मी रिद्धी सिद्धी काले टीमचे काले टीमला आवाज देईल. आपण टॉस करण्यासाठी सज्ज राहायचंय. बडा मॅच. दोन्ही बाजूला सितारे खेळाडू. मागचा सामना देखील त्याच प्रकारे अंदाजामध्ये समाप्त झाला. शेवटच्या षटकापर्यंत सामना रंगला होता. बंटी स्पोर्ट बोरोली संघाला नक्कीच पुढील मॅचसाठी आपण शुभेच्छा देखील दिल्या. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चांगला प्रवास इथे राहिला होता एस के एंटरप्राइजेस संघाचा. मात्र पराभूत केला बंटी स्पोर्ट बोरोली टीम संघाने. दिलीप म्हात्रे दादांचं या व्यासपीठावर आगमन होते. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. गोलंदाज मेघराज A1 पवनचे भाऊ आहेत आणि नक्कीच या स्पर्धेमध्ये चांगलं खेळले आतापर्यंत. आर के पाटील स्टॅन इन कडून गोलंदाज मेघराज. हा पहिला चेंडू जो आहे आपण पाहतोय खराब चेंडूने इथे सुरुवात केली आहे. पंचांचा निर्णय येणं बाकी आहे. मात्र 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत. वाईटचा इशारा. 1+2 3 धावा या धावफलकावर. मी म्हणेल की खेळाडूंचं लक्षच नव्हतं. कॅप्टन शतरक्षण लावत होता मात्र गोलंदाजाला इथे घाई पाहायला मिळाली आणि त्याच्या घाईमध्ये 3 धावा इथे खर्च झाल्या बोनसच्या स्वरूपात. नो बॉल. यस, कारण खेळपट्टीच्या बाहेर चेंडू टाकला होता. चांगला निर्णय प्रल्हाद पाटील सरांच्या माध्यमातून. तिथून फ्रीट आहे. एक सुवर्ण संधी आहे भावेश वारे या खेळाडूला. फ्रीट चेंडूला ऑन साईडला खेळलाय. काऊ कॉर्नरमध्ये शतरक्षक तैनात आहे. एक सिंगल धाव कंप्लीट. दुसरा धाव मिळेल का आणि फलंदाज रन आउट होत आहे भावेश वारे. धन्यवाद आमचे मित्र डीजे दीपेश. मित्रांनो आपण टेनिस क्रिकेट बॉलमध्ये फ्रीट जेव्हा चेंडू असतो तेव्हा फक्त रनआउटच होत असतो खेळाडू.
आणि या स्पर्धेमध्ये दोन असे खेळाडू जे आहेत ते आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाले, त्याच्यामध्ये भावेश वारे देखील आलाय. आणि याच्या अगोदर नक्की जर कालच्या दिवसामध्ये फलंदाज आऊट झाला तर रिद्धीसिद्धी काल्य टीम संघाचा, मात्र इथे देखील तोच क्रिकेट पाहायला मिळाला. भावेश वारे याच्या माध्यमातून एक सिंगल धाव घेतली असती तर नक्कीच स्ट्राईक फलंदाज रफीकडे आले असते, मात्र जो धाव घेण्याचा प्रयत्न केला त्या प्रयत्नामध्ये फसला गेलाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये करण आलाय. फ्री चेंडूचा पुरेपूर फायदा घेता आला नाही फलंदाजाला, एक रनआउटचा विकेट आणि एक सिंगल धाव मिळाली. नेक्स्ट मॅच रिद्धीसिद्धी बिल्डर अँड डेव्हलपर्स श्रीधर पाटील दादांचा संघ आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पांडुरंग धर्मा पाटील धनेशलम कुकसे. पहिला सेमी फायनल तुम्ही पाहणार आहात. यानंतर मित्रांनो तर दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी सज्ज आहे. त्या शेवटचा षटक सुरू आहे. मेघराचं ऑन साईडला केलंय, शतरक्षक आहे. काय कमबॅक पाहायला मिळतोय. नो बॉलने सुरुवात केली होती गोलंदाजाने, दोन झटके दिलेले आहेत, एक रनआउट आणि विकेट मिळतोय. नक्कीच पुढील सामना जो असणार आहे पहिला सेमी फायनल बी सी फॉर फॉर्मेटमधील तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. रिद्धीसिद्धी काले टीम आणि दुसऱ्या बाजूला धनेशलम कुकसे टीम. बिलाल शेख एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला भावेश पवार. जबरदस्त स्टार वार पाहायला मिळतील. यानंतर अखिल नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये होते. मॅन फ्रॉम घोरसई मेघराज केने याचा कमबॅक पाहायला मिळतो आपल्या गोलंदाजीमध्ये. खूप चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. नो बॉलने सुरुवात केली मात्र त्यानंतरचा हा कमबॅक खूप चांगला बघण्यासारखं आहे. धावसंख्या धावपलकावर आपण पाहतोय ते म्हणजेच 47 धावा 47. अखिल्याला इथून एक चांगली इनिंग खेळावी लागेल कारण की अजूनही इथे चार चेंडू बाकी आहेत. गोलंदाज राईट आर्म ओ द विकेट. हा ऑन साईडला आपण पाहतो शतरक्षक आहे. अतिशय सुरेख झेल पाहायला मिळतोय. अजून एक धक्का दिलाय मेघराजाने. धन्यवाद डीजे अमोल. मित्रांनो अमोलबद्दल एकच मी सांगेल, अमोल या ग्राउंडवर देखील भरपूर खेळलेला आहे आणि नक्कीच आपल्या मामाचा ग्राउंड असत म्हणूया आपण कारण की मामाच्या गावामध्ये खेळत आहे आणि चांगला क्रिकेट त्याचा पाहायला मिळालाय. चांगली झेल रनिंग झेल पाहायला मिळाली. शेवटपर्यंत चेंडूवर लक्ष ठेवलं होतं आणि ती झेल संपन्न केली होती अमोल भुईर याने. नवीन फलंदाज मुन्ना मैदानाच्या आतमध्ये येत आहे. थोडंसं धावानं रोक लावली जाते. गोलंदाज सज्ज आहे. मेघराज अतिशय जबरदस्त हा फायटर क्रिकेटर. जसं एवन पवन तसं मेघराज केनेचं देखील चांगला क्रिकेट पाहायला मिळत आहे. राईट आर्म ओवर द विकेट. ऑन साईडला खेळायचं होतं, बॅटवर आला नाही आहे. डॉट चेंडू डोकेदुखी ठरताना शेवटचा स्लॉगरचा षटक. अतिशय जबरदस्त कामगिरी करताना मेघराज केने. दोन चेंडू बाकी आहेत, एक मोठा स्ट्रोक येणं गरजेचं आहे. हा चेंडू बघतो आपण ऑफस्टंपच्या भरपूर बाहेर आहे. प्रल्हाद पाटील सरांच्या माध्यमातून वाईटचा इशारा. एक्स्ट्राने फर होते. धावसंख्या धावपलकावर 48 धावा 48 रन 50 प्लस कोणत्या प्रकारे धावा होतील पाहूया आपण. 50 आतमध्ये रोखण्याचं काम करताना आपल्याला पाहायला मिळतं मेघराज. मात्र सध्या खेळपट्टीवर मुन्ना देखील आहे, चांगले स्ट्रोक खेळू शकतो. राईट आर्म ओवर द विकेट मेघराज केने. हा चेंडू फुलर लाईनचा चेंडू आहे. क्लासिकल ड्राईव्ह एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये चेंडूला ये पहा. 1-2 का 4 बॅकअप नाही आहे. चेंडू सीमा पार चौकार.
क्लासिकल संगीत डीजे दीपेश च्या माध्यमातून क्लासिकल फलंदाजी मुन्ना याच्या बॅटमधून चौकार पाहायला मिळाला। शेवटचा चेंडू आहे नक्की जिथे आपल्याला पाहायला मिळतो मेघराज केने थोडंसं क्षेत्ररक्षण हलवला जात आहे। शॉर्ट थर्ड मॅन शॉर्ट फाईन लेग एष्टी रक्षक एष्टी पासून थोडंसं दूर आहे टीमचे कॅप्टन सुवास पॉइंट गलीवर एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। एक्स्ट्रा कवर डीप मध्ये लॉन्ग अप आणि लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। काऊ कॉर्नर एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। पाहूया शेवटच्या चेंडूवर धावा थांबेल का मेघराज केने राईट आर्म ऑफ द विकेट शेवटचा चेंडूला व्यवस्थितरित्या बॅटवर घेता आला नाहीये। क्षेत्ररक्षण आहे तिथे एक धाव सिंगल कंप्लीट लेग बायचा इशारा पंचाच्या माध्यमातून आणि षटकी समाप्त झालेले आहेत। पाच षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा 53 आहेत आणि 54 धावांचं लक्ष आहे। 54 रनों का टार्गेट रेखा अंजुमन स्पोर्ट टीम। तर मित्रांनो आपण टॉस करणार आहोत दोन्ही संघामध्ये दोन्ही टीमचे कॅप्टन आमच्या सोबत आमच्या स्वर्गीय बलिराम रामचंद्र गुलवी आमच्या काकाच्या नावाचा हा टॉस बॉक्स आहे। त्या टॉस बॉक्समध्ये नक्कीच आपण दोन्ही टीमचे कॅप्टनला आपण बोलूया। दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण पोहोचायचे मला वाटतं काल टीमचे कॅप्टन आलेले नाही आहे। धन्यवाद डीजे दीपेश रिद्धी सिद्धी काले टीमचे कॅप्टन संदेश आमच्या सोबत आहेत आणि तसेच आदित्य आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे टॉस बॉक्समध्ये। ॲडव्होकेट करण भुईर आणि हिमांशू भुईर आणि तसेच दिलीप मात्रे ते टॉस करण्याकरिता पहिला सेमीफायनल आहे। पाच षटकांचं आहे लक्ष असू द्या। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला आपण टॉस दाखवू इच्छितो। एका बाजूला डीजे दीपेश यांची प्रतिमा आहे दुसऱ्या बाजूला भाविक मंडप डेकोरेटर अभिमन्यू तर यांची प्रतिमा आहे। आदित्य भुईर याचं कॉल आहे डीजे दीपेश आलेला आहे भाविक मंडप डेकोरेटर थँक्यू सो मच करण आपण बसून घ्यायचं आणि हिमांशू आपण देखील बसून घ्यायचं आहे आणि दिलीप दादा आपण देखील बसून घ्यायचं आहे। दोन्ही टीमला शुभेच्छा देत आहेत आमचे पाहुणे। चर्चा थोडीशी करूया। आज खऱ्या अर्थाने मी म्हणेल की जय बजरंग चषक 2023 संपूर्ण घोडसईचे खेळाडू खेळत आहेत कारण की बंटी स्पोर्ट बोरिवलीमध्ये देखील घोडसईचे खेळाडू होते त्यानंतर एसके इंटरप्राइजेस संघामध्ये देखील घोडसईचेच खेळाडू आणि आता रिद्धी सिद्धी कालेरमध्ये स्वतः संदेश आणि मेघनाथ आहे। संदेश पहिला सेमीफायनल आहे टीमने खूप चांगला क्रिकेट खेळला आहे आणि तुझ्यासाठी नेहमी हा लकी ग्राउंड राहिला आहे। काय अपेक्षा आहे मॅचमध्ये संपूर्ण टीमकडून? चांगलीच अपेक्षा आणि सर्वांनी चांगलं खेळावे आणि जिंकण्या प्रयत्न करावी अपेक्षा संघाकडून। नक्कीच स्पर्धेला आपण एन्जॉय करताय? हो नक्कीच कारण ग्राउंड पण चांगला आणि माती विकेट आहे त्यामुळे जास्त एन्जॉय करतो स्पर्धेला। क्या बात आहे म्हणजे मातीची विकेट तुझी आवडती विकेट आहे। संदेश नाणेबिके जिंकले पाच षटकांचा सामना आहे काय निर्णय असेल आपला? काय नाही क्षेत्ररक्षण करणार आम्ही कारण की चेसिंग थोडीसं डिफिकल्ट आहे त्यामुळे क्षेत्ररक्षण करणार आम्ही। नक्कीच चेसिंग तुम्ही या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली केलेली आहे आणि बाहुबली जो ज्या प्रकारे आक्रमण करत आहे या स्पर्धेमध्ये त्याच्याकडून देखील तीच अपेक्षा असेल। आपल्या संघाला मी भरपूर शुभेच्छा देतो। हे होते संदेश केने। आदित्य भुईर आपण टॉस जिंकला असता काय निर्णय असता? क्षेत्ररक्षणच केलं असतं आणि तुम्हाला आता फलंदाजी करायची आहे। भावेश पवार ज्या प्रकारे खेळतोय संपूर्ण टीम हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मांडवी देखील खेळतोय प्रतीक पाटीचा देखील चांगला क्रिकेट राहिला आहे मात्र हा महत्वाचा सामना सेमीफायनल पहिला सेमीफायनल आहे। पाच षटकांचा किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? 60 धावा करण्याचा प्रयत्न करू। शेवटचा एक प्रश्न जय बजरंग चषकाचा 16वा वर्ष आहे आणि आज संपन्न होत आहे सुपर रविवार मेगा फायनलचा दिवस आहे कोणत्या प्रकारे तुम्ही शुभेच्छा देईल या स्पर्धेला? खूप चांगली स्पर्धा आहे आणि याच प्रकारे दरवर्षी स्पर्धा करत राहू। ॲज अ कॅप्टन आपल्यासाठी भरपूर शुभेच्छा मित्रांनो। हा होता आदित्य आणि दुसऱ्या बाजूला संदेश रिद्धी सिद्धी काले टीम संघाने नाणेबिके जिंकले सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। जाऊया ऐकूया पॉवरफुल कॉमेंटर सुनील पवार यांचा आवाज। सामन्याला सुरुवात करायची आहे मजर खान आणि सुनील पवार कारण की दुसरा डाव सुरू होत आहे।
थैंक यू भिवंडीकर संदेश पाटिल। तो पहले सेमीफाइनल का ये मैच इस वक्त चलता हुआ दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही, और जो टारगेट है वो है 54 का टारगेट है पहली गेंद के साथ। अली पहली गेंद वहां पर अली के देखने छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन कहीं ना कहीं गलत फैसला वहां पर बल्लेबाज का, क्योंकि गेंद की लाइन को मिस कर बैठे थे। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई, चौपन का टारगेट है इस वक्त अद्वैत इलेवन के सामने, शंकर जुकर फैम टीम। इस बार देखना है वहां पर सही कनेक्ट किया और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज रोहित के बल्ले से। दूसरी गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया है व्हाइट लॉन्गन के ऊपर से, ये गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। 6 रनों से खाता खुलता हुआ बल्लेबाज रोहित का और अद्वैत इलेवन का। इसके बाद BC4 फॉर्मेट का पहला सेमीफाइनल रहेगा, रिद्धि सिद्धि कालेर और धनिश इलेवन कुक्से के बीच में मैच रहेगा। अली अंसारी एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर रोहित, इस बार देखना है वहां पर फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद वाइट, सिक्सर लगने के बाद इस बार वाइट गेंद की वहां पर गेंदबाज अली अंसारी ने, स्कोर अब 7 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ दूसरी इनिंग का, जो टारगेट है अद्वैत इलेवन के सामने वो 54 का टारगेट। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर काफी जोर से बल्ला घुमाया है बल्लेबाज रोहित ने, लेकिन रन सिर्फ सिंगल इस गेंद के ऊपर। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन पूरा तरीके से अपनी बॉडी का जोर लगा दिया था वहां पर बल्लेबाज ने, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 8 पर जा पहुंचा है। शहबाज शेख फैम टीम और दूसरी तरफ शंकर जुकर फैम टीम। मिला जुला खेल देखने को मिल रहा है इस ओवर में, खराब गेंदों को वहां पर हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज अच्छे स्ट्रोक में तब्दील कर रहे, तो यहां पर अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए भी खेल रहे हैं। इस बार स्विच हिट लगाया और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ वहां पर, ये देखिए किस तरह से वहां पर इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज स्विच हिट लगाया है। तो अच्छी शुरुआत इस वक्त मिलती हुई, लोअर फुल टॉस गेंद थी और विकेटों के अंदर ये गेंद आ रही थी, इंप्रूवाइज स्ट्रोक खेलते हुए। स्कोर अब 13 रनों पर जा पहुंचा है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां देखने को मिल रही है बल्लेबाज रोहित द्वारा। फिर से वहां पर स्विच हिट लगाना चाहते थे, विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकल गई डॉट। तो पहले ओवर की समाप्ति हुई है और रन बने हैं 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर अद्वैत 11। अच्छी शुरुआत मिलती हुई और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सुहास पाटिल और रोहित वहां पर मौजूद है, एक अच्छी शुरुआत मिली है। लेकिन अगर हम अंजुमन की बात करें तो उनके पास जो गेंदबाजी काफ़ी मजबूत गेंदबाजी है, अमजद शेख है, अजीब खान है, हंजला कुंगले है, सभी अच्छे गेंदबाज है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पहले ओवर में बल्लेबाजी हुई है, एक अच्छी शुरुआत मिली है गेंदबाजी में। अब दूसरे ओवर में आते हुए अजीब खान, सिटी इमर्जिंग से फाइनल में पहुंच चुकी है संयुक्त स्पोर्ट्स, और ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला इस वक्त चलता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स और अद्वैत इलेवन के बीच में। अजीब खान गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए दूसरा ओवर लेकर आते हुए और अपना पहला, इसके बाद BC4 फॉर्मेट के 2 सेमीफाइनल
के मैचेस रहेंगे, धनेश 11 कुक से और रिद्धि सिद्धि कालेर, और उसके बाद चैलेंज और बंटी स्पोर्ट्स। अजीब की पहली गेंद, वहां पर अच्छी गेंद रही थी, अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। सुहास हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है कि नीची बैकलिप से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, मंशा यही है कि ज़्यादातर स्ट्राइक रोहित के पास रहे, और रोहित भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। पिछले ओवर में उन्होंने एक सिक्सर और एक बाउंड्री लगाई थी। ओवर नंबर दो का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद के ऊपर स्ट्राइक को रोटेट किया है सिंगल रन लेके वहाँ पर बल्लेबाज ने। एक बार फिर से रोहित सामना करते हुए अजीब खान का, और इस बार देखना है गेंद हवा में है, वहाँ पर डीप से खिलाड़ी आते हैं और इसी बीच वहां पर कैच छूटता हुआ करण कासार वहां पर मौजूद थे। एक मौका आया था विकेट निकालने का, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए वहां पर करण कासार। स्कोर इन दो रनों की मदद से अब 16 पर जा पहुंचा है, तो अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस वक्त अद्वैत 11 और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में। फिर से वहां पर देखना है, क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी, अगेंस्ट दी टर्न खेलना चाहते थे वहां पर इस गेंद को बल्लेबाज। एक और शानदार गेंद देखने को मिलती हुई अजीब खान द्वारा। अजीब की खास बात यह है कि वेरिएशन बहुत ज्यादा करते हैं, हर प्रकार की गेंदबाजी कर सकते हैं अजीब खान। इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल दिया, देखना है वाइडिश लॉन्गन की दिशा में फंबल होता हुआ, और उसी बीच दो रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। फील्डिंग हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है अंजुमन की। एक कैच भी छूटा और इस बार थोड़ा सा मौका दिया और मौके को बुनाया वहां पर बल्लेबाजों ने, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन बल्लेबाज भी यही जान रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है, मौका नहीं दे रहे गेंदबाज, तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्कोर अब 18 पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, फ्लैटेड गेंद रही थी, एक रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, लेग बाय के रूप में ये एक रन आएगा। बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। पहले ओवर में 13 रन और इस ओवर में अब तक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी वहां पर दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित और सुहास। इस बार स्लॉग करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज सुहास पाटिल ने। तो ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 19। अब यहां से बचे हुए तीन ओवर में 18 गेंदों में जीतने के लिए जो रन चाहिए 35 रन चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है अद्वैत 11 के लिए कि 10 के 10 विकेट अभी भी बचे हुए। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां रोहित ने 9 गेंदों का सामना किया है 15 रन बनाए, तो सुहास ने 3 गेंदों का सामना किया और 2 रन बनाकर खेल रहे। पिछले ओवर में अजीब खान के जो रन आए हैं 5। छह रन आए, तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आते हुए अमजद शेख।
पहली गेंद वहां पर अमजद की, हाफ ट्रैकर गेंद थी, हुक कर दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है बल्लेबाज रोहित द्वारा। शॉर्ट गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से हुक स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। ये देखिए इस वक्त बीटीसी के माध्यम से दिखाया जा रहा है कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से रोहित के बल्ले से। सिक्सर से स्वागत किया है गेंदबाज अमजद का, स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 25 रन। इस बार आगे निकल कर खेलना चाहते थे इस गेंद को। दरमियान पता अपन व्यासपीठ आगमन होता ना आदरणीय जय नाईक साहेबांच, वेलकम साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे जय बजरंग चषक 2023 मध्ये। तो अच्छा कमबैक देखने को मिला है इस बार अमजद द्वारा, जब पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाया था बल्लेबाज ने, इस बार डबल स्टेप पर जाकर खेलने की कोशिश की थी गेंद को, बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक अच्छी शुरुआत मिली है। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को कारपेट द्वारा खेल दिया, और उसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है, विकेट यहां पर गिरना तय है, और विकेट गिरता हुआ सुहास पाटिल का, दूसरे रन की चाह में इस वक्त विकेट गिरा है, और सुहास इस वक्त वापस जाते हुए अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज रोहित ने, और अच्छी बल्लेबाजी भी अब तक की है, 21 रन पर खेल रहे 11 गेंदों का सामना किया है। अद्वैत 11 के सामने जो टारगेट है वो 54 का टारगेट है। अभी अभी पहला विकेट गिरा है और नए बल्लेबाज आए हैं मेघराज केने, पिछले मैच में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी मेघराज केने की, सिक्सर लगाकर मैच को फिनिश कर दिया था, और उसी बीच वहां पर अमजद की ये शानदार डिलीवरी। इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन खेल देखने को मिला है, कभी बल्लेबाज रोहित अमजद के ऊपर हावी हो रहे तो कभी अमजद रोहित के ऊपर हावी हो रहे हैं। और निकित चांगला फाइट पाहायला मिळते, चेंडू ने बैट मध्ये संघर्ष होते, कधी चेंडू मात्र बैटला डीप बीट करते, तर मात्र रोहित अजून 2-3 फटके चांगले पाहिजे, पण धीमी बॅटिंग करतोय पण रोहितच्या माध्यमातून। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर अमजद, स्कोर 26, अब यहां से 28 रन चाहिए बची हुई 14 गेंदों में, 14 गेंदे और जीतने के लिए रन है 28, 28। इस बार हाफ वाली पर लेकर खेलने की कोशिश की वहां पर, मिस टाइम स्ट्रोक है, नो मैट्स लेंथ में गेंद जाती हुई और फिर से सिंगल रन। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी लगातार अब देखने को मिल रही है अमजद द्वारा। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार देखना है वहां पर इस गेंद को खेल दिया है और बहुत ही बेहतरीन सिक्सर आता हुआ है पहली गेंद के ऊपर मेघराज केने के बल्ले से, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ये गेंद थी, और क्या कमाल का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। तो ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर और लास्ट गेंद के ऊपर सिक्सर, 3 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं अब तक 33 रन। अब यहां से 12 गेंदे और जीतने के लिए रन है 21, 21 रन चाहिए, 12 गेंदे और 21 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, पहले ओवर में जहां अली अंसारी ने 13 रन खर्च किए, उसके बाद अजीब खान ने अच्छी गेंदबाजी की 6 रन खर्च किए, लेकिन अमजद के ओवर में थोड़े रन बटोरे है, 14 रन आ गए थे अमजद के ओवर में। चौथे ओवर में एक बार फिर से
अजीब खान को बुलाया जाता हुआ। दरमियान पाहतो की आपण व्यासपीठावर ज्या मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे त्यामध्ये कल्पेश पाटील आणि तसेच आदरणीय आमचे जैन एक साहेब यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला खूप लाख मुलांचं विशेष सहकार्य मिळालेले आहे त्याबद्दल मी जय बजरंग मित्रमंडळ यांच्या माध्यमातून त्यांचं अभिनंदन करतोय। ऋणी आभार व्यक्त करतोय साहेब आपल्या माध्यमातून खूप मोलाचं सहकार्य मिळालं। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी में एक बार फिर से अजीब खान 12 गेंदे और जीतने के लिए रन है 21 21 रन। पहली गेंद वहां पर अजीब की, अजीब के सामने अजीबोगरीब स्ट्रोक स्विच, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है रोहित द्वारा। ये देखिए किस तरह से वहां पर स्विच हिट लगा है इस गेंद के ऊपर, चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 37 पर। अगेंस्ट द टर्न इस गेंद को खेल दिया था वहां पर बल्लेबाज रोहित ने। रोहित इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी इनिंग में 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई है, 27 पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बार अजीब की ये गेंद देखना है लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ वाइट, पिछली गेंद पर जा एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज रोहित ने, स्विच हिट लगाया था, 4 रन बढ़ रहे थे लेकिन इस बार अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज अजीब खान। ग्यारह गेंदे और रन अब यहां से है 16। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई अजीब खान फिर से वहां पर देखना ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां बल्लेबाज रोहित ने। इस बार डॉट गेंद होती हुई बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था वहां अजीब ने। 10 गेंदे और 16 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एक विकेट गंवाने के बाद अद्वैत 11 ने रन बनाए है 38 38 रन, जो टारगेट है वो 54 का टारगेट है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई रोहित ने और उस शुरुआत को कंटिन्यू इस वक्त रखते हुए बहुत ज़्यादा समय लिया जा रहा है। एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना, इस बार गेंद हवा में और विकेट हासिल करते हुए वहां पर अजीब खान। एक बार फिर से अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड में, इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज रोहित। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बहुत पहले ही अपने बल्ले का फेस बंद कर दिया और वही कारण था कि बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी और कोई गलती नहीं की वहां पर कीमैन अकील खान ने। दूसरा विकेट गिरता हुआ अद्वैत 11 का। अब यहां से इक्वेशन जो है 10 गेंदे बची हुई है और जीतने के लिए रन है 16, 9 गेंदे बची हुई है। एक वाइट गेंद रही थी बीच में तो 9 गेंदे और रन अब है 16। रोहित के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं राहुल। विकेट हासिल किया वहां पर गेंदबाज अजीब खान ने। 2 विकेट गंवाने के बाद अद्वैत 11 38। देखिए बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है, प्लीज अंजुमन स्पोर्ट्स समय में सहयोग करना है। इसके बाद जो मैचेस है सिटी मर्जिंग का 1 मेगा फाइनल, उसके बाद BC4 फॉर्मेट का 1 मेगा फाइनल रहेगा, लेकिन उससे पहले 2 सेमीफाइनल भी तो रहेंगे।
जहाँ पर इसके बाद जो मैच है रिद्धि सिद्धि कालेर धनेश इलेवन और उसके बाद फिर दूसरा सेमीफाइनल रहेगा बंटी स्पोर्ट्स और चैलेंज के बीच में, तो प्लीज़ समय में सहयोग करें। अजीब खान, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। इस बार देखना है, छोड़ दिया इस गेंद को वहाँ पर बल्लेबाज ने और ये गेंद वाइट। इस ओवर में दूसरी वाइट गेंद की है अजीब खान ने, कहीं ना कहीं बल्लेबाज से बचने की कोशिश की जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखी थी और सही फैसला वहाँ पर बल्लेबाज का गेंद को छोड़ने का, क्योंकि जान चुके थे जो गेंद की लाइन है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है। एक रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 39 पर जा पहुँचा है दो विकेट गंवाने के बाद। नौ गेंदे और 15 रन। उपस्थित दिया मुख्य व्यासपीठ पर, फिर से वहां पर देखना है स्विच हिट इस बार लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, एक और अच्छी गेंद डॉट होती हुई। जय नाईक ये देखिए उपस्थित झालेले आहे, जय खंडोबा मित्र मंडळाचे अध्यक्ष आहेत, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच कल्पेश पाटील आमचे मित्र, आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे या व्यासपीठावर। उपस्थित पाहुण्या बंबत मॅचचा आनंद घेत आहेत, तो बहुत ही शानदार इस वक्त खेल चलता हुआ। ये मैच भी अब क्लोज इनकाउंटर में जा चुका है, आठ गेंदे बची हुई और जीतने के लिए रन है 15। राहुल एक बार फिर से सामना करते हुए अजीब खान का, फिर से अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ज्यादा दो पैरों के बीच में दरार बना ली थी वहां पर और दरार में से गेंद फरार डॉट। क्या कहेंगे संदेश आप, जिस तरह से यहां पर गेंदबाजी हो रही है और बल्लेबाजी हो रही है। भेवंडीकर संदेश पाटिल इस वक्त थोड़े से बिजी है, और इस बार देखना है वहां पर मिस्टर मिस्ट्रोक है, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, अब यहां से छह गेंदे बची और जीतने के लिए रन है 14। अब यहां से जो खेल चल रहा है ना संदेश, अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी वहां पर मेघराज केने मौजूद है। आपको तो पता ही होगा पिछले मैच में जो बल्लेबाजी की थी उन्होंने, सिक्सर लगाकर मैच को फिनिश कर दिया था। तो अभी भी कौन सी टीम जीतेगी हम ये नहीं बता सकते, तुरंत ही फील्डिंग लगानी अंजुमन स्पोर्ट्स। क्या अद्वैत इलेवन शंकर जुकर फैमिली जीतेंगी या फिर अंजुमन स्पोर्ट्स शहबाज शेख न्याल शेख फैमिली जीतेंगी, ये अभी हम बता नहीं सकते। नक्की चांगली गोलंदाजी करावी लागेल अंजुमन स्पोर्ट्स संघाला आणि चांगली फलंदाजी करावी लागेल खेळपट्टीवर। तुम्ही जसं उल्लेख केलं मजर खान, मेघराज केने नक्कीच इनफॉर्म फलंदाज आहे, मागच्या मॅचमध्ये ज्याने षटकाराने सामना फिनिश केला होता मात्र तो नो स्ट्राईकवर असेल। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब आते हुए हंजला कुंगले, टीम के कैप्टन भी है हंजला, लेकिन अब ये जो 14 रन है ना ये बचाने होंगे वहां पर हंजला को। छह गेंदे 14 रन, सामना करते हुए वहां पर बल्लेबाज राहुल है ना, राहुल पहली गेंद वहां पर बहुत ज्यादा घूमकर खेलने की कोशिश की है और देखना ये गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई डॉट। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर हंजला कुंगले ने, ये देखिए किस तरह से वहां पर बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, गेंद की लाइन से बिल्कुल हट गए थे वहां पर बल्लेबाज राहुल। पांच गेंदे बची हुई है, जीतने के लिए रन है 14, 5-14 का अब यहां से इक्वेशन। कौन सी टीम दो दो हाथ लेंगी मेगा फाइनल में जाकर संयुक्त स्पोर्ट से, ये अभी देखना बाकी है क्योंकि पांच गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। फिर से वहां पर देखना है, इस बार सफल होकर इस गेंद को खेल दिया है अजीब वहां पर मौजूद है, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अब यहां से चार गेंदे और 13 रन, लेकिन पहली दो गेंदे अच्छी गेंद, जहां पहली गेंद डॉट रही दूसरी गेंद वहां पर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रखा था इस गेंद को हंजला ने, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं मेघराज केने। एक गेंद का सामना किया और एक सिक्सर लगा चुके हैं मेघराज, लेकिन काफी देर तक नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े थे, अब जाकर लास्ट ओवर में स्ट्राइक पर आए हैं। 4-13 अब यहां से चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि एवन पवन
इनके बड़े भाई जो बल्लेबाजी करते हैं, अब ये मेघराज के ने उसी तरह से बल्लेबाजी के लिए जाने जा रहे, जिस तरह से पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की और इस मैच में एक सिक्सर लगाया है 4-13। हंजला कुंगले एक बार फिर से वहां पर सामना करते हुए इस वक्त, शॉर्ट गेंद वहां पर देखना है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे, ओ हो, ये जो गलती की है हंजला ने ये भारी पड़ सकती है। भले ही वहां पर अपने पास स्ट्राइक रखा है मेघराज ने, लेकिन विकेट गिर सकता था, एक बिल्कुल आसान सा कैच था संदेश। हालांकि गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है, और ये गेंद भी अच्छी गेंद थी जहां पर बल्लेबाज फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी और मिस टाइम स्ट्रोक था रहा था, लेकिन कॉटन बोल्ट का एक आसान सा मौका छोड़ दिया। नक्की ये तो झेल ड्रॉप के लिए जाता है, जीवनदा मिला फलंदाजाला, फलंदाज जर याचा पुरेपूर फायदा घेतला ना तर हा मॅच भरपूर महत्त्वाचा असेल। मजर खान ज्या प्रकारे सहज सोपं झेल सुटला गेला होता। देखिए संदेश, क्रिकेट का खेल एक ऐसा खेल है, तीनों फॉर्मेट में आपको 100% देना होता है, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, लेकिन फील्डिंग में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स दिखाने होते हैं, लेकिन वही देखने को नहीं मिला इस बार हंजला द्वारा। हालांकि पहली तीन गेंदें वहां पर अच्छी रही है उनकी, अब यहां से तीन गेंदें बची हुई है, जीतने के लिए रन है 12-3। और इस बार देखना है वहां पर हंजला की ये गेंद, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद, वाइड गेंद, बल्लेबाज से संदेश बचने की कोशिश की गई, लेकिन ये सही तरीका नहीं है बल्लेबाज से बचने का। अगर बल्लेबाज से आपको बचना है ना तो बल्लेबाज के वीक पॉइंट के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी, लड़ना होगा। नक्कीच यॉर्कर चेंडू ची जास्त से वापर करावे लागतील। हंजला जो गोलंदाज आपण पाहतोय वाईट चेंडू टाकले त्याच्या माध्यमातून, फिर से वहां पर देखना इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक आ रहा, जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो कैच छूटा ना, ये बैट्समैन कुछ भी कर सकता है। कैच छूटा उसके बाद फिर सिक्सर, दो गेंदे बची हुई है और अब रन यहां से चाहिए 6। मी अगोदर संगीत होता मजर खान ज्याला तुम्ही जीवनदान दिलाय, मेघराज केने एक चांगला फिनिशर आहे सिटी इमर्जिन मध्ये, आणि नक्कीच षटकाराने आता संघाला सांगितलं आहे की मैं हूं ना, खेळपट्टीवर जबरदस्त खेळताना तुम्हाला पाहायला मिळतंय। रन यहां से चाहिए, देखिए दो गेंदे और 5 रन, स्कोर देख के बोलो ना। फिर से वहां पर देखना, इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिडल किया इस गेंद को, मुन्ना वहां पर मौजूद है और देखना क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर, आउट, विकेट वहां पर गिरा है और मेघराज इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद थी, स्ट्रोक भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिडल किया था वहां पर मेघराज ने, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर मुन्ना की, क्या गजब की फील्डिंग और सीधा अमजद के पास थ्रो, क्योंकि जानते थे मेघराज जो है कि दूसरे रन के लिए जाएंगे, लेकिन अपना विकेट गवा दिया। समीकरण आता मात्र थोड़ा सा कठिन है, कारण की येणारा जो एक चेंडू बाकी है त्याच्यामध्ये या धाबा बनवायचे आहेत, म्हणजे 4 धाबा, आणि याच्यासाठी फलंदाज देखील नवीन असेल खेळपट्टीवर, मजर खान सोपं नसणार आहे। आता गोलंदाजाने देखील मन जिंकलेले आहेत, एक चांगल्या फलंदाज समोर चांगली गोलंदाजी केली आहे। जी बिलकुल, नए बल्लेबाज के लिए हमेशा मुश्किल काम होता है एक गेंद में 4 रन बनाना, लेकिन ये मुश्किल काम को आसान करना होगा वहां बल्लेबाज को, अगर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाना है तो। क्या कमाल का ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, सिटी इमर्जिंग का ये मैच इस वक्त चल रहा है, दूसरा सेमीफाइनल, चेसिंग कंपल्सरी है, लक्ष्य असू द्या। जी बिल्कुल, अब ये जो 4 रन है ना, ये 4 रन पूरे बनाने होंगे, गोल्डन बाउंड्री लगानी होंगी, 3 रन से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिटी इमर्जिंग का जो रूल है वो चेसिंग कंपलसरी है। नए बल्लेबाज आए हैं आकाश, एक गेंद और 6 रन, हंजला कुंगले एक बार फिर से 4 रन है,
पहली गेंद वहां पर सामना किया, देखना है मुन्ना वहां पर मौजूद, ओ और गेंद बाउंड्री के बाहर, गेंद बाउंड्री के बाहर, चौका भी दिया और मौका भी दिया, टीम को फाइनल में पहुंचा दिया वहां पर मुन्ना ने। ये क्या खेल है, ये किस